दोस्तों 10,000 इस टाइम पर सबसे इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है एक सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर 10,000 में आपको ढेरों स्मार्टफोन मिल जाते हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन भी काफ़ी क्रिएट हो जाता है कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10,000 के टॉप 3 सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। एंड इन सभी गेमिंग फोन में आपको सबसे तगड़े प्रोसेसर देखने को मिलेंगे जिससे आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स में खेल पाएंगे। पर यार सभी स्मार्टफोन एक जैसे नहीं होते, किसी फोन में आपको हाई कैमरा क्वालिटी मिलेगी तो किसी में आपको बड़ी बैटरी मिलेगी एंड फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों किसी फोन में आपको 6GB की बड़ी रैम मिलेगी एंड 128GB का बड़ा स्टोरेज मिलेगा तो किसी में आपको हाई क्वालिटी वाली डिस्प्ले मिलेगी। सो गाइस अगर आप भी अपने लिए इस टाइम पर लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो अंडर 10,000, तो मैंने 10,000 वाले सबसे अच्छे और सबसे टॉप 3 स्मार्टफोन को पिक किया है जिनमें आपको प्रोसेसर भी काफी तगड़े मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सो गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड नंबर के स्मार्टफोन के बारे में और धीरे धीरे करके नंबर 1 तक जाएंगे। और हमारा जो थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है वो है एक इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन, माइक्रोमैक्स इन 1। गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह एक इंडियन स्मार्टफोन है और अगर आपको इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है तब आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। बट यार परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है भाई। इसमें आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है और यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट दिए हुए हैं और इसके मेमोरी कार्ड को आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है और यह स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है जिसमें आपको ब्लोटवेयर और एड्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। एकदम प्योर एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। पर यार इसी स्मार्टफोन में 2 बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको IPS LCD का पैनल मिल जाता है। भाई काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है एंड काफ़ी अच्छे कलर्स इसी स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 18W चार्जर। भाई बैटरी बैकअप तो इसी स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार जब आप इसी स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाओगे तो फुल चार्ज होने में यह स्मार्टफोन 2 घंटे से ज़्यादा ले लेता है। और चार्जिंग में सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि यह स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है चार्जिंग के टाइम पर। जो यार मुझे इस स्मार्टफोन में कमी लगी वो मैंने आपको बता दी भाई। सिक्योरिटी के लिए इसके बैक में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और यह अच्छे से वर्क नहीं करता है। और 2 से 3 बार ट्राई करने पर आप इस स्मार्टफोन को अपनी फिंगर से अनलॉक कर पाओगे और यह एक और मेजर इशू इस स्मार्टफोन में निकल कर सामने आया है। भाई इस स्मार्टफोन में 2 बड़े इशू हैं, चार्जिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इसी के साथ अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है और फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिज़ाइन के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। भाई इसी स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी एक नॉर्मल लेवल की है, ज़्यादा अपर लेवल की तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की ठीक ठाक है। पर यार इससे बेटर कैमरा क्वालिटी हमारा सेकंड नंबर का स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कराता है। भाई बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर मिलता है एंड यह चिपसेट आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा एंड आप इसी स्मार्टफोन में किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स में अच्छे से खेल पाएंगे। कोई भी लैग इशू आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। भाई परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 9999 एंड 6GB की रैम का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर आपका बजट है 6GB रैम वाले स्मार्टफोन को लेने का तो आप उसको परचेज कर सकते हो। भाई इस स्मार्टफोन को लेने का सबसे बड़ा रीजन यही रहेगा, अगर आपको इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है तब आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। नो डाउट काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की और वो है इन्फिनिक्स होट 10S। गाइस इन्फिनिक्स इस टाइम पर काफ़ी अमेजिंग वर्क कर रहा है एंड बैक टू बैक काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रहा है। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको बैक प्लास्टिक का देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है। और सिक्योरिटी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट मिलते हैं और इसके मेमोरी कार्ड को आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स की। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो भाई इसी स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। भाई फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बट यार यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और गाइस सबसे अच्छी बात, इसी स्मार्टफोन में आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। जब आप इस डिवाइस से गेमिंग करोगे तो काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस इसी स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी।
और भाई लगभग 7 इंच जितनी काफी बड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में आपको दी हुई है। और भाई अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली यह डिवाइस आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। इसके बैक में आपको 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और इसके फ्रंट कैमरे में आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाती हैं। भाई कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी है, खासकर बैक कैमरे की क्वालिटी इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी मिल जाती है। इसके कैमरे में सबसे अच्छा फीचर यह है कि इसके फ्रंट और बैक दोनों में आप LED फ्लैश को एक साथ ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 10W चार्जर। बट यार अच्छी बात यह है कि यह स्मार्टफोन 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट डब्बे में आपको 10W का ही चार्जर दिया हुआ है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है जो आपको डिसेंट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। एंड इसी स्मार्टफोन में भी आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स में इजीली खेल पाएंगे। और भाई यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, पर यार मैं आपको एंड्रॉयड 11 की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ। भाई अगर आप एंड्रॉयड 11 वाले स्मार्टफोन को वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो तो इसमें आप काइनमास्टर को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। ओनली 1-2 दिन ही काइनमास्टर को आप एंड्रॉयड 11 वाले स्मार्टफोन में यूज कर पाएंगे, उसके बाद इसी स्मार्टफोन में काइनमास्टर बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड्रॉयड 11 के अंदर। इसमें आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 9999 एंड 6GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज भी मिलता है जिसका प्राइस है 10999। अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी एक रैम वाले स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। भाई यह स्मार्टफोन बिग वैल्यू फॉर मनी है। बिग इसलिए बोला क्योंकि इसी स्मार्टफोन में आपको काफी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है और डिस्प्ले के साथ साथ इसी स्मार्टफोन में आपको बिग कैपेसिटी वाली बैटरी भी मिल जाती है। और भाई अगर आप अपने लिए बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली यह स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। तो भाई अब बात करते हैं पहले नंबर के स्मार्टफोन की, और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है Realme C25s। गाइस Realme का यह स्मार्टफोन उसका लेटेस्ट स्मार्टफोन है एंड अंडर 10,000 में यह सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको सबसे बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की। तो यहाँ पर आपको बैक में रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और भाई इसमें आप 2 SIM और 1 Alexa मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलते हैं। और यह स्मार्टफोन भी एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स की। तो भाई इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और भाई यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18W क्विक चार्जर। भाई बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी इस स्मार्टफोन में आपको दी हुई है जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में आपको 13 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। भाई इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा हाई कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे वाली गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी एंड इस स्मार्टफोन में आप किसी भी गेम को हाई ग्राफिक्स के साथ इजीली खेल पाएंगे। यहाँ पर आपको 4GB के रैम एंड 128GB का बिग स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 10999। पर यार अगर आप इसी स्मार्टफोन को ऑनलाइन परचेज करोगे तो यह स्मार्टफोन आपको डिस्काउंट लगाकर लगभग 10,000 के अंडर पड़ जाएगा। तो गाइस यह थे अंडर 10,000 टॉप 3 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा या फिर आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भाई अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई यह थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।